आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नजर हर खबर। न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर ले। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाइक व पिकअप की टक्कर, बाइक चालक गंभीर। अररिया नव क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में स्थित मछली पट्टी के समीप बाइक व पिकअप वैन की टक्कर में बाइक चालक परमानंद शाह शिवपुरी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से पिकअप वैन की संख्या BR11S9829 का चालक गाड़ी छोड़ फरार हो गया। सूचना मिलते ही समाजसेवी अविनाश आनंद ने घटना स्थल पर पहुंच पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। बाइक सवार परमानंद को मौके पर ही पहुंचे वार्डवासी नन्हे प्रियदर्शी, शशि कुमार, अमित कुमार आदि ने मिलकर सदर हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं नगर थाना के पुआनी मृत्युंजय सिंह, राजेश कुमार व श्रवण कुमार आदि पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। अररिया राजद के वरिष्ठ नेता सह फारबिसगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी केएन विश्वास को राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन पार्टी की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम बलि प्रसाद सिंह ने किया। यह मनोनयन पर पूर्व सांसद सरफराज आलम, विधायक अनिल कुमार यादव, विधायक शहनवाज आलम, प्रदेश महासचिव कमरू जमा व मेदनी कृष्ण टीपू, जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान, जिला प्रधान महासचिव अरुण यादव, राजद के वरिष्ठ नेता सुखदेव पासवान व आनंदी प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष अरविंद विश्वास, मुर्शीद रेजा, बबलू राजद, जिला महासचिव राजेश यदुवंशी, मनोज सिंह, राजद जिला सचिव मनोज विश्वास, मनोज मेहता, विक्रम सिंह, राजद जिला प्रवक्ता जगदीश जागुर्दू, मीडिया प्रभारी पप्पू पासवान, सोशल मीडिया प्रभारी बाबुल इनायत, युवा राजद के जिला अध्यक्ष विजय सिंह यादव, प्रधान महासचिव राम नारायण विश्वास, छात्र राजद जिला अध्यक्ष मनीष कुमार राणा, वशिष्ठ नेता प्रोफेसर साबिर इद्रिश, प्रोफेसर क्रांति कुंवर, प्रोफेसर उदानंद यादव, राजद नगर अध्यक्ष बेलाल अली, सुधीर यादव, संजय यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार मंडल, सुबोध यादव, शम्स रेजा, अजदेव मंडल, राजद नेता यासीन मिंटू मेहता, रुपेश यादव, बजरंग बिहारी, मतीन प्रणव यादव, राजीव रंजन, मुकेश मंडल, राजा अली ने नवनियुक्त प्रदेश के उपाध्यक्ष को बधाई दी व उम्मीद की कि श्री विश्वास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के इस पद को मनोनयन के पार्टी का जनाधार काफी बढ़ेगा और सशक्त रहेगा। भारतीय सेवा सदन की सेवा लगातार जारी है। अररिया मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर चलने वाली अररिया जिला के शिवपुरी वार्ड नंबर 9 में अवस्थित भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन 1, 2 तथा 3 पूरी तरह पालन करने वाले निर्धन एवं निसहाय परिवार जिसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है, वैसे परिवारों की सहायता करना जारी है। वैसे परिवारों के बीच भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट 25 दिन से सूखा राशन वितरण कर रही है। साथ ही साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल स्प्रे मशीन के द्वारा विभिन्न जगहों पर सैनिटाइज भी करवा रही है। संस्था के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण भारती का कहना है कि यह संस्था समाज कल्याण के लिए बनाया गया है। समाज की भलाई के लिए संस्था सभी सहयोगी हमेशा ही अपनी अपनी भूमिका पर निष्ठा और ईमानदारी से निभाते आ रहे हैं। हम इसी क्रम में कल भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट के द्वारा अररिया कोर्ट स्टेशन के समीप नगर परिषद क्षेत्र के टोल टैक्स प्लाजा में सामने रहने वाले लोगों के बीच व मदर टेरेसा कॉलोनी के वार्ड नंबर 5 और 7 हृदयपुर इटाहारा दोनों वार्डों में नोनिया समाज, महादलित समाज एवं पासवान समाज के बीच उनके घर जाकर फूड पैकेट का वितरण कर रहे हैं। राहत सामग्री वितरण में सहयोगी रूप से काम कर रहे ट्रस्ट के प्रदेश सचिव सह जदयू नेता सीताराम मंडल, कार्यकाले प्रभारी ऋतु राज रितेश, कोषाध्यक्ष रूप भारती, भूप नारायण विश्वास, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, आनंद मंडल, स्वास्थ्य कर्मी सहयोग अजीत कुमार, शैलजा कुमारी, कविता देवी आदि लोग डॉक्टर भारती के साथ दे रहे हैं। सिक्टी प्रखंड के धूमगढ़ सोधी विद्यालय कोरोना आपदा क्वारंटाइन सेंटर में सिक्टी सीओ के आदेशानुसार बेंगा पंचायत के बहुचर्चित मुखिया नरसिंह विश्वास की अध्यक्षता में आज से सुबह और शाम विद्यालय में रह रहे प्रवासी मजदूरों को योगा व्यायाम कराया जा रहा है, जिसमें योगा व्यायाम शिक्षा राजकुमार जी के द्वारा कराया जा रहा है। आज से शुरुआत हुई व्यायाम में माननीय मुखिया नरसिंह विश्वास, दिव्य मूर्ति, संदीप, प्रदीप कुमार, विकास मित्र, सजदानंद शाह, नरेंद्र पासवान, जितेंद्र कुमार, त्रिपित पासवान आदि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर अररिया जिले में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों पर लगातार आवासीय प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों का हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को प्रखंड नरपतगंज में बनाए गए सभी प्रखंड के पंचायत क्वारंटाइन केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग कर प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस दौरान तामगंज नरपतगंज विद्यालय में स्वास्थ्य जांच के दौरान प्रवासियों ने बताया कि उन्हें क्वारंटाइन केंद्र पर कोविड 19 के सभी तरह के संसाधन, समय पर भोजन, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उस अवसर पर MOIC संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर।